अगली राशि जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में अभी तक हम जितनी 10 राशियों के बारे में हमने बात करी है तो बार बार हमने आपको बताया है कि कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर रहा है। जब शनि अपनी राशि में खुद की राशि में प्रवेश कर रहा है तो उस घर को उस राशि को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। कुंभ राशि के लोगों की भी खासियत होती है कि वो बड़े न्यायप्रिय होते हैं, सच्चे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इस राशि भी ये वाली राशि भी जो है इस वर्ष शनि की 7.5 की प्रथम ढैया का सामना कर रही है। प्रथम ढैया जब 7.5 की आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी कार्य आप कर रहे होते हैं उसमें बाधा या रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण आपको लगने लगता है कि नेगेटिवली कि मेरा कुछ काम होगा ही नहीं। पर शनि की 7.5 या शनि के ग्रह की खासियत होती है कि शनि चक्की की तरह सब कुछ पीस के देता है पर बहुत अच्छा देता है। अंत में शनि की जो 7.5 की जो तीसरी ढैया होती है वो आपको बहुत कुछ दे के जाती है, पर प्रथम दो ढैयाओं में सबको कष्ट का थोड़ा सामना करना पड़ता है कि कठिनाइयों से काम बनते हैं। तो इस समय जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो अपने मानसिक प्रतिद्वंद से या मानसिक अंतर्द्वंद से आप गुजर रहे होते हो, जिसमें आप सोच रहे होते हो अपने कॉन्फिडेंस को लैक करते हुए कि मुझे यह काम करना भी चाहिए या अभी छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, उसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा, अभी उसका इमीडिएट लाभ आपको नहीं मिलेगा। किसी की बेवकूफ़ी के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तनाव प्रकट हो सकते हैं इस समय आपके लिए। आपके जो सत्कर्म का कवच है, आपके जो अच्छे कर्म का कवच है, वो आपको इस साल फ़ायदा पहुँचाएगा। पता चला आपको किसी ने विवादों में फंसाया या किस कोई आपका मित्र था वो बड़ी आसानी से उन विवादों से आपको लेके चला गया बाहर। कुंभ राशि में प्रविष्ट होने के कारण आपको राहत जरूर मिलेगी शनि के कारण, पर अपने स्वाभिमान और अभिमान का अंतर आप समझिएगा और अपने साथ में होने वाले किसी भी कार्य को ध्यान से जज करिएगा कि वो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचा रहा है या आपके अभिमान को ठेस पहुँचा रहा है। अपने जब पराये सा आचरण इस वर्ष आपके साथ करेंगे तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, पर कोई सितारा टूटे ना टूटे पर आपकी इच्छा पूरी होने की राह इस वर्ष जरूर मिलेगी। आपकी कोशिशें आपके साथ बहुत अच्छी रहेंगी और आपको अंत में लाभ पहुंचाएंगी। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो काला और नीला रहेगा। आपके लिए जो अंक अच्छा रहेगा वो 10 और 11 रहेगा। आपके लिए जो ग्रह अच्छा रहेगा वो बुध और शुक्र रहेगा। आपके लिए जो दिशा अच्छी रहेगी वो उत्तर और पूर्व रहेगी। आपके लिए जो रत्न अच्छा रहेगा वो नीलम रहेगा। Thank you.